अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज बहुत ही मज़े की बारिश हो रही है तो मैंने सोचा कि मैं चिकन पराठा रोल की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं मैदे को मिक्स करूँगी और उसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून जो है ऑयल, 1 नमक डालूंगी थोड़ा सा, मैदे में नमक ऐड कर दूंगी, आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर दें, और चीनी ऐड कर दूंगी मैं इसमें चीनी। अब इन तीनों चीजों को मैं मिक्सचर में मिक्स करूंगी और फिर मैं इसको गूंद लूंगी अच्छी तरह से। हाँ जी, तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको फिर गूंद के फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए। हाँ जी, तो अब हमने जो है पराठे रोल के लिए ग्रीन चटनी बनानी है, जिसके लिए हमने हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्चें, नमक और दही ले लेना है। इन सब को मिला के हमने अच्छी सी चटनी बना लेनी है। हमारा मैदा जो है वो रेडी हो चुका है, फ्रिज में है। अब हम इसका बाकी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने लिया है चिकन बोनलेस। इसमें हम 1 कटोरी जो है वो इस तरीके से योगर्ट ऐड करेंगे। अब हमारे पास ये जो मसाले हैं, हल्दी, सुर्ख मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, नमक हसबे जायका, और ये है जी साबत सुर्ख मिर्चें। अब जो है ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ही साथ ये जो है अदरक लहसुन पेस्ट बना हुआ है इस तरह से डाल दें। अब हमने इसके ऊपर जो है वो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं वो इस तरह डाल लें। अब हम इसके ऊपर लीमू निचोड़ लेंगे, लीमू का रस बीच निकाल लें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूंगी, इसके ऊपर लीमू को अच्छी तरह से निचोड़ लें। लीमू से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ऊपर ऐसे धनिया डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें जी, इस तरीके से सारे चिकन में जो है हमने मसाले को मिक्स कर लिया है। अब जो है ये देखें, इसके बाद हम ये प्याज इसमें ऐड करेंगे पराठा रोल्स में। अभी जब आगे करूंगी तो आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ये ग्रीन चटनी है। अब हम इसको जो है वो 2 घंटे के लिए इस तरह लगा के सारे मसाले इसको छोड़ देंगे, फिर हम इसको पकाना शुरू करेंगे। चिकन को हमने मैरिनेट करके रख दिया था, 2 घंटे हो गए हैं, अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। जिसके लिए हम नॉन स्टिक पैन में ये बनाना है आपने, अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरे में भी बना सकते हैं, तो मैं इसमें बना रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें, थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने दें। अब हम इसमें अपना चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। नॉर्मल आंच पे आप इसको अच्छी तरह से पका लें। हमारा मज़ेदार चिकन तैयार हो रहा है, लुक्स वेरी यमी। ये इस तरह से मैदा होना चाहिए आपका। अब हम इसके पेड़े पे डाल लेंगे। इस तरह से पेड़े बना लें आप। अब हम इसको बेल लेंगे। इसको बेल लिया है, अब हम इसमें घी लगाएंगे। हाथों से लगाना है आपने, इस तरह से, कोई जगह भी खाली ना रहे। अब हम इसको जो है पका लेंगे पेड़ा बना के इस तरीके से। ये देखें इस तरह से पेड़ा। ये हमारा पराठा रेडी हो रहा है। इसी तरह से सारे पराठे हम अपने बना लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब ये देखिए पराठे भी रेडी हो रहे हैं। चलें जी पराठा रोल बनाना शुरू करते हैं। पराठा ले लिया, अब हम इसके ऊपर जो है ग्रीन चटनी जो हमने बनाई थी वो इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से आप लगा लें। जो हमने चिकन बनाया था उसकी बोटियां हम इस तरह से ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर जो है हमने प्याज काट के रखी हुई है, हम इसके ऊपर प्याज ऐड कर देंगे। इस प्याज से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है पराठा रोल में। अब इसके ऊपर हम मेयोनीज ऐड कर देंगे। इस तरह से मेयोनीज लगाने के बाद अब हम पराठा रोल को अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। आराम से इजीली बंद हो जाता है ये, इस तरह से। अब हम इसको अच्छी तरह से काट लेंगे। बहुत यमी है ये। हाँ जी, तो हमारे चिकन पराठा रोल तैयार हो चुके हैं। हम इनको कोक के साथ इंजॉय करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। आप खुद टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने मज़े के बने हैं। हाँ जी, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।